आप भी चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम वीवर पे हर वक्त ऑनलाइन दिखें और आपके जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं वहां पे आपका ऑनलाइन वीओ शो हो रहा हो, या फिर टीम पर आप ऑनलाइन दिखना चाहते हैं या वे का स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ आज। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो बेसिकली ये कोड मैंने नोटपैड पे लिखा हुआ, आपने भी इसी तरीके से नोटपैड पे सेव कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये कोड, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं स्टेप बताऊंगा उन स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक हो गया। तो इसको मैं सेव एज करूंगा, सेव एज करने के बाद टेस्ट डॉट vbs से आपने सेव कर लेना डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने जो है मूव माउस को डाउनलोड कर लेना है। ये भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ ताकि टाइम से वो आप चल चल जो है इस वीडियो के टॉपिक को समझ पाए कि बेसिकली वीडियो में जो है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। मूव माउस का मैंने इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये शो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो डाउनलोड करने के लिए तो लिंक पे क्लिक कीजिए, करने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है तो ये डाउनलोड फिर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। देन आपने कोड को सेव करने के बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप, आपने बिहेवियर पे आना है। बिहेवियर पे आने के बाद मिनिमम टू सिस्टम ट्रे को आपने चेक कर लेना है, मिनिमाइज टू मिनिमाइज ऑन स्टार्ट पे आपने चेक कर लेना है, और ऑटोमेटिकली रिज्यूम आफ्टर इसको आपने 2 on 8 seconds कर लेना है ताकि आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो हो हर वक्त, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने स्क्रिप्ट का कोड जो मैंने नोट पे सेव किया था वो रन हुआ कि नहीं हुआ। उसको आपने एक दफा क्या करना है, जब आप कोड सेव करें तो उसको आपने डबल क्लिक करके प्ले कर लेना, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और फिर मैं आगे फर्दर स्टेप आपको बताऊंगा। ये मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टास्क मैनेजर में कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये देखें ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने डेमो के लिए इसको पहले भी यूज किया हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो इसलिए ये 2 शो कर रहा है, अदरवाइज आपके पास 1 शो करेगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन है कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है बैकअप में, ठीक हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है सिंपली आपने इसको डबल क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देख लें ट्रे में मेरा सॉफ्टवेयर में पहले ऑलरेडी उसको ओपन कर चुका था, तो यहाँ पर ये आया हुआ शो हो रहा है। यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, जो सेटिंग मैंने आपको बताई आपने इसको चेक कर लेना है। 200 पे करने के बाद आप इसको स्टार्ट जैसे करेंगे, ठीक है, तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगा टीम व्यूअर पे, ठीक हो गया। तो ये मेथड है जिस तरीके से आप जो है टीम पे अपने स्टेटस को लाइव शो कर सकते हैं। मैं स्टेप एक दो फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने कोड जो है नोटपैड में सेव कर लेना है टेस्ट डॉट vbs के नाम से। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करने के बाद इस फाइल को तो आपने चेक कर लेना है कि ये आपका जो है रन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, टास्क मैनेजर से इस पर डबल क्लिक करने के बाद। देन आपने अगला स्टेप करना है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है मूव माउस को, जो मैं आपको डाउनलोड में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और जो है मैं कोड भी दे दूंगा वहां से कोड भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेटिंग मैंने आपको बताई है सॉफ्टवेयर में वही सेटिंग रखनी है तो आप जो है एक्टिव शो कर पाएंगे अपना स्टेटस। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टीम का, ठीक है, जैसे जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें यहाँ पे ये एक्टिव शो हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने टीम पे जो है एक्टिव अगर ऑनलाइन हर वक्त शो रहना चाहते हैं तो इस मेथड को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों ने काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।